दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले लाल सलाम मूवी के सातवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी को दुनिया भर से कितने स्क्रीन मिले और इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों बात कीजिए लाल सलाम मूवी के स्क्रीनिंग के बारे में, तो इस मूवी को लगभग दुनिया भर से 900 प्लस की स्क्रीनिंग मिल चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए लाल सलाम मूवी के फर्स्ट डे इंडियन कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने अपने पहले दिन इंडियन कलेक्शन किया था 3,80,00,000 रुपए का। साथ ही साथ इस मूवी ने अपने पहले वीकेंड कलेक्शन किया था 10,45,00,000 रुपए का। और साथ ही साथ इस मूवी ने अपने चौथे दिन कलेक्शन किया था 1,58,00,000 रुपए का। पांचवें दिन कलेक्शन किया था 1,46,00,000 रुपए का। और छठे दिन कलेक्शन किया था 1,35,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का टोटल 6 दिन का इंटरनेट कलेक्शन होता है 14,84,00,000 रुपए और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होता है 18,00,00,000 रुपए और टोटल ओवरसीज कलेक्शन होता है 7,00,00,000 रुपए का। साथ ही साथ बात की जाए इस मूवी के छठे दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो 25,00,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है इस मूवी का। और दोस्तों साथ ही साथ बात की जाए इस मूवी के सातवें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो 1,20,00,000 का कलेक्शन किया था सातवें दिन में। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट है 62,00,000 रुपए। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं इस मूवी का आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को 5.2 की आईएमडीबी रेटिंग मिल चुकी है आउट ऑफ 10। दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में लाल सलाम मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर हिट हो पाएगी या नहीं, आप कमेंट में जरूर बता देना। और दोस्तों इसी तरह से आने वाली मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।